इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 19 फरवरी के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। देश के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म आज ही के दिन 1630 में हुआ था। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध शैली के जनक के तौर पर जाना जाता है। देश दुनिया के इतिहास में 19 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1389 में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की हत्या की गई थी। प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का जन्म आज ही के दिन 1473 में हुआ था। महानतम मराठा शासक और गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता छत्रपति शिवाजी का जन्म आज ही के दिन 1630 में जुन्नेर में हुआ था। आज ही के दिन 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक के रूप में शुरू हुआ था। हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन आज ही के दिन 1895 में हुआ था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन आज ही के दिन 1915 में हुआ था। आज ही के दिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई शहर डार्विन पर जापानी लड़ाकू विमानों के हमले में लगभग 200 लोग मारे गए थे। भारत के प्रसिद्ध विद्वान समाजवादी विचारक शिक्षा शास्त्री और देशभक्त नरेंद्र देव का निधन आज ही के दिन 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध गायक पंकज मलिक का निधन आज ही के दिन 1978 में हुआ था। आज ही के दिन 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर वेंद्रे का निधन आज ही के दिन 1992 में हुआ था। आज ही के दिन 1993 में हैती के पास समुद्र में 1500 यात्रियों सहित एक जहाज डूब गया था। चीनी राजनीति के शिखर प्रमुख डेंग थियाओपिंग का निधन आज ही के दिन 1997 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर लेन वेस्टरगार्ड ने वाशिंगटन में प्रकाश की गति धीमी करने में सफलता पाई थी। वर्ष 2000 में आज ही के दिन मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने लेबनान का दौरा किया था। बता दें कि साल 1952 के बाद ये दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली यात्रा थी। आज ही के दिन 2003 में संयुक्त अरब अमीरात ने दाऊद के भाई इकबाल शेख और उसके सहयोगी एजाज पठान को भारत को सौंपा था। 2004 में आज ही के दिन कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों पर प्रतिबंध लगाने वाली स्टॉकहोम संधि का विश्व के 50 से ज्यादा देशों द्वारा अनुमोदन किया गया था। आज ही के दिन 2006 में पाकिस्तान ने हत्प द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया था। 2008 में आज ही के दिन संस्कृत कवि स्वामी श्री राम भद्राचार्य को उनके महाकाव्य श्री भारवराद्वयम के लिए वाचस्पति सम्मान प्रदान किया गया था। भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रमुख समकालीन आलोचक नामवर सिंह का निधन आज ही के दिन 2019 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।